So, sir, finally, BCI has reached to US. Yeah. And how do you feel and how you are associated with BCI? I'm associated with BCL since last year. मैंने पहला सीजन ही खेला था मतलब सो दिस इज माई सेकेंड ईयर विद BCL एंड आई एम BCL भी खेला है BCL पंजाब भी खेला है एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉज ए क्रिकेटर एंड ऐसे चीज़ हुई है कि बींग एन एक्टर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती खेलने को और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है BCL वालों ने कि एक तो BCL हुआ उधर से BCL US सोने पे सुहागा कहूँगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी इन US बिकॉज मैं कभी US नहीं गया एंड BCL की वजह से फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू US सो आई एम प्री एक्साइटेड पार्टीज तो होती रहती हैं पार्टीज तो हमारा जन्म से अधिकार लग रहा है जब से बॉम्बे में आए हम पार्टीज ही कर रहे हैं पार्टीज का एक्साइटमेंट है लेकिन उतना नहीं है लेकिन हाँ ये कहेंगे जब कैलिफोर्निया जा रहे हैं और सब लोग इतने साथ जा रहे हैं मतलब 50 लोगों का क्रू 50 एक्टर्स सब साथ जाते हैं ये दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर अस वीकेंड से शॉपिंग चालू तो हो ही जाएगी बट मैं मॉनसून में ये चाह रहा हूँ कि मैं कम से कम घर से निकलूँ क्योंकि कल आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम बांद्रा टू गोरेगांव एंड आई टुक 4 आवर्स मतलब तो मैं थक गया हूँ यार मतलब ये है कि मॉनसून बहुत अच्छा लगता है मुझे मगर मुझे ट्रैफिक नहीं अच्छा लगता भगवान कुछ ऐसा करे बॉम्बे में कि ट्रैफिक मॉनसून हो और ट्रैफिक ना हो मतलब जैसे होता है नॉर्मल वैसा हो मगर अभी पता नहीं क्या हो गया बट और खाने की अगर बात करें तो अभी तो डाइट पे हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जिम भी नहीं जा पाते क्योंकि इतनी बारिश होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में एक एक घंटा लगता है सो आई एम ट्राइंग कि डाइट पे रहें अभी भी पार्टी हो रही है मगर ये कोशिश करेंगे कि कम कुछ ना करें ये कोशिश सक्सेसफुल नहीं होगी ऊपर जाते ही 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी ये कोशिश दोस्त यार जब ऐसे हो तो कोशिश नाकाम हो जाती है हमेशा दरी की दरी रह जाती है आपकी कोशिश सो यार थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मेरे फोन पे डाल दे रहा मैं चिल्लाता हूं इट्स अ वेरी बिग थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इंटरनेशनल जाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क एंड कूडोज टू आनंद एंड सनी एंड मैरिनेटिंग फिल्म्स बालाजी बिकॉज किसी चीज़ को बाहर रिप्रेजेंट करना बहुत मेहनत है एंड आई थिंक दे वर्किंग रियली हार्ड एंड आई फील सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद देम एंड दे आर माई फ्रेंड्स आई एम हियर टू सपोर्ट देम एंड आई फील सो प्राउड के यू नो एंड दे प्रूव इट दैट इफ यू वांट टू डू समथिंग यू वांट टू मेक इट हैपन यू बिलीव इन इट एंड इट विल हैपन आई थिंक एंड ऑफ जुलाई व्हाट दे प्लानिंग मेरा थोड़ा डामाडोल है जाने का बिकॉज आई हैव सम फ्यू कमिटमेंट्स ओवर हियर कुछ चालू है मेरा अदरवाइज अभी तक मैंने एंडी को बोला नहीं है आनंद को तो हाँ इट्स अ सीक्रेट सो हाँ आई माइट नॉट बी एबल टू जॉइन देम बिकॉज आई हैव सम कमिटमेंट आल्सो पार्टीज देयर इन फैक्ट सो हाउ मच यू फील एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ पार्टी एंड व्हाट आर द मस्ती वी गॉट हैव यार अभी क्या है ना कि मस्ती तो होगी एंड आई एम आई वांट टू मीट देम एंड कांग्रेचुलेट देम फर्स्ट बिकॉज इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम एंड You know, I like to be, you know, share their happiness and party to khair na main peeta hoon, na main kuch karta hoon, but yeah. And also, how is the Harley Davidson? Oh, Harley Davidson is good, yaar. Baarish ka mausam hai, I so want ke main ek do din mein shayad bike leke niklunga bahar. Abhi tak to I was in Taiwan, so I came back some few days back, to maine bike ko thoda abhi wo kiya hai. So yeah, baarish mein main bike leke, agar aapko kyunki dikha Harley Davidson pe, to main hi hoonga. But yeah, but with all the gaze on. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Sorry? I think right from day one, Sunny है आनंद है इन लोगों ने जब से शुरू किया है तब से I was also about to own a team तो उनका association is like a family and I'm very very proud of them that वो लोग दो साल तो हुए हैं और दो साल एकदम स्टाइल में हुआ है दो साल के completion पे the BCL is happening international US में होने वाला है and US में I don't think television का कोई इससे बड़ा event हुआ है जहाँ 55 Indian celebrities are going traveling एक साथ
and they're going to perform for the people. So hum log, we are really looking forward ki wahan ke US ke fans se hum logon ko milne ka mauka milega and unhe entertain karne ka personally mauka milega. Aapka kya kehna hai? I'm excited because BCL has been really fun entertainment hai, logon ko to pasand aa hi raha hai. मैंने वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने सारे देखे तो हैं नहीं मैचेस, बट जितना भी देखा है इन्जॉय किया है. एंड आई होप कि ये जो BCL इज गोइंग इंटरनेशनल, ये सबसे बड़ा इवेंट लाइक ही सेड, स्पेशली वी आर मेंशनिंग BCL और हम जिस टीम में थे लखनऊ नवाब्स, उसके जो ओनर थे अजय, ही इज टेकिंग ऑल ऑफ अस देयर इन द US एंड दैट इज अ बिग थिंग एंड अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट. या वेरी वेरी हैप्पी फॉर इट बिकॉज़ BCL इज शोइंग things we are gonna explore. See, the thing is, हम अगर कहीं पे जाते हैं तो एक तो ये होता है, obviously we have work there, that's the reason we are going and we definitely take out time to travel. और साथ में हम जैसे कीड़े वाले जो लोग होते हैं जिनमें फिल्म मेकिंग का कीड़ा होता है, वो ये भी सोचते हैं कि जाके वहाँ पे कुछ शूट कर ही आते हैं, और हमारा वैसा ही कुछ दिमाग में प्लान है. राइट, बिकॉज अजय हमारे शॉर्ट फिल्म के पहले शॉर्ट फिल्म के हीरो रह चुके हैं और उनकी फिल्म कांस में ऑल्सो डिड वेरी वेल. तो इसके लिए वी आर प्लानिंग समथिंग एल्स ऑल्सो. तो BCL के बाद अभी तो पार्टी शुरू हुई है टाइप्स होने वाला है. आई थिंक वी आर गोइंग बी शूटिंग समथिंग देयर. हम लोग स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं. अगर ऑडियंसेस आपके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो तो प्लीज सेंड इट टू अस, बिकॉज वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्क्रिप्ट व्हिच कैन बी मेड इन US. एंड ऑब्वियसली उसके साथ BCL का बड़ा तड़का है. BCL जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले टेलीविजन एक परिवार हुआ करता था, अभी हमारे परिवार में एक नया बैकयार्ड खुल गया, प्लेग्राउंड खुल गया, क्योंकि जिसमें ऐसे प्लेग्राउंड में जहाँ सब लोग आके मिलते हैं, बातें करते हैं, गॉसिप होता है, मस्ती होती है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन वो भी हर एक जहाँ चार बर्तन होंगे टन टन तो होगी. तो इट्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्लेग्राउंड गोइंग इंटरनेशनल. अभी हम बाहर जाके खेलेंगे. मानसून मेरा इनकमिंग फ्री है, जो भेज दो मैं सब खा लेता हूँ. तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है. मानसून के साथ इनका बर्थडे भी आ रहा है, तो इनका बर्थ मंथ आज शुरू हो चुका है. तो ये पूछे कि इनके बर्थ मंथ में क्या प्लान है और क्या हो रहा है. मेरे का बर्थडे पे व्हाट आर द रैडिकल रेसिडेंस एंड मनीष की दीवानीज, व्हाट आर दे डूइंग? इट्स रियली स्पेशल बिकॉज ये ट्रेंड शुरू हुआ था अविका के बर्थडे से. उसके लिए बर्थ वीक मनाया जाता था, फिर पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने नया शुरू किया कि बर्थ मंथ मनाया जाए. तो हर रोज़ मेरे घर पे बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे लवली लेटर्स और बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो बर्थ मंथ की शुरुआत हो चुकी है एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई होप गॉड मुझे बर्थडे पे ये प्रेजेंट दे कि मैं लेह लद्दाख जाके आऊँ. मैम ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, शी इज़ अ पार्ट ऑफ द टीम. ये हैंड इन ग्लव रहती है फैंस के साथ. तो ये सब लोग मिलके इस बार कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पक रहा है आसपास, क्योंकि मेरे आसपास के जितने मेरे अपने हैं उन लोगों के आसपास कुछ सुनाई देता है. तो यू नो बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है. अभी सीक्रेट यहाँ खोलेगी नहीं एंड ना ही फैंस खोलेंगे, तो लेट्स सी क्या आने वाला है. फिलहाल तो बुके आने शुरू हो गए. Excited and Manish ki Diwani gang and Radical Roasted, you guys know what I'm talking about. All right. Okay, thank you. Thank you.